नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल घर घर मुर्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। जो भी भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। और जो भाई हमारे फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख पा रहे हैं वो फेसबुक पेज को फॉलो करें, और जो हमारे ग्रुप पे इस वीडियो को देख पा रहे हैं वो ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये जो गोधन इस वीडियो के माध्यम से आज दिखाया जा रहा है जो कि थर्ड लैक्टेशन के अंदर है, और दूध क्षमता इसकी अब लाइव मिल्किंग आपको दिखाई जाएगी। बहुत ही अच्छा दूध दिखाएगी, ये देख सकते हैं आप। नीचे इसके मेल काफ है, बहुत ही शांत स्वभाव, बहुत ही शालीन गोधन ये आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को के लिए मिला है। ये देख सकते हैं किसी भी प्रकार का तेज स्वभाव इस गोधन का नहीं है। ये देख सकते हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही शराफत इस गोधन के अंदर देखने के लिए मिली है। ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ऑर्डर भी, बहुत ही शानदार है। ये इसके नीचे मेल काप है जो इसके लेवटी के ऊपर से उभरी हुई नशे आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि दूध वाले पशु के करेक्टर को दर्शाती हैं। ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हाइट लेंथ के साथ, ये गोधन जो कि गांव कड़ौदा में किरसन सर के पास है, गांव कड़ौदा जिला जज्जर हरियाणा। ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी नरम चौवाई है, मोटी चौवाई है। किसी भी प्रकार से ये गोधन तेज स्वभाव की नहीं है, बिल्कुल शालीनता, बहुत ही ज़्यादा शालीनता इस पशुधन के अंदर है, गोधन के अंदर है। ये देख सकते हैं लगातार मिल्किंग चली हुई है। जो दुनिया का घी लाइन का एकमात्र मुर्रा बुल विराट कड़ौदा, उसके सीमन की सप्लाई के लिए जो स्क्रीन पे नंबर चला हुआ है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पीठ पुट्ठे की चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी है, ये देख सकते हैं पूंछ को किस तरह ऊपर उठाए हुए है। जो इतना शालीन पशु होता है वो ही अच्छा दूध का प्रदर्शन करता है। ये देख सकते मिल्किंग इसकी चली हुई है। लगातार वीडियो के साथ जुड़े रहे, और जिस भी भाई को वीडियो कवर करवानी है वो हमारे नंबर पे संपर्क कर सकता है। अंप वगैरह भी काफ़ी अच्छा, प्योर हरियाणा देसी नस्ल जो बहुत ही कम होती दिखाई दे रही थी आज, ये उन्हीं में से एक गोधन आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने के लिए मिला है। आज शाम को भी इसकी 6:15 बजे लाइव मिल्किंग चलाई जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा भाई हमारी लाइव मिल्किंग में जुड़े और हमारे फेसबुक पेज घर घर मुर्रा उस पर भी इसकी लाइव मिल्किंग दिखाई जाएगी, जो कि आज सुबह की भी लाइव मिल्किंग उसके अंदर चली हुई है। बिल्कुल साधारण किसान के पास ये गोधन है। इसके नीचे साहिवाल क्रॉस का मेल काप है। लगातार वीडियो के साथ जुड़े रहें। बिल्कुल नरम चौवाई, है। थर्ड लैक्टेशन के अंदर ये गोधन है, ये देख सकते हैं बहुत ही शांत। जो इसके शरीर की बनावट है, कद कठी है, काफी शानदार है। लगातार वीडियो के साथ जुड़े रहें। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जज्जर और रोहतक के जो आसपास जज्जर से लगता इलाका है वहाँ पे पशु के
किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट के लिए आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9053596020। किसी प्रकार का केस हो, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस कुछ भी हो, आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और बेरी के आसपास एरिया में भी हमारा पेट क्लिनिक है। लगातार वीडियो के साथ जुड़े रहें, ये देख सकते हैं बहुत ही शानदार गोधन आज इस पशु इस वीडियो के माध्यम से देखने के लिए मिला है, जो कि गांव कड़ौदा में स्थित है। लगातार वीडियो चली हुई है और किसी भाई को विराट बुल के सीमन के लिए संपर्क करना हो तो मोहित भाई से संपर्क कर सकते हैं, जो कि उनका नंबर 9306032268 उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हर एक जगह विराट कड़ौदा के सीमन उपलब्ध हैं। ओरिजिनल सीमन लेने से पहले हमारे से संपर्क जरूर करें। ये देख सकते हैं तकरीबन मिल्किंग पूरी होने वाली है। लगातार वीडियो के साथ जुड़े रहें। बाकी पूरी डिटेल ताऊ जी से शाम के समय में जो मिल्किंग चलेगी उस समय पूरी डिटेल इस गोधन के बारे में पूछेंगे। अच्छा पशुधन खरीदने के लिए आप मुर्रा का पशुधन खरीदने के लिए आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना और लगातार वीडियो हम लेके आते रहेंगे समय समय पे। अच्छा गोधन पशुधन आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। लगातार पिछले कुछ समय से टाइम की न लगने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन समय निकाल कर अब लगातार वीडियो लेके आते रहेंगे। किसी भी भाई को अगर वीडियो कवर करवानी हो तो आप मेरे नंबर से पर संपर्क कर सकते हैं। ये देखो तकरीबन मिल्किंग पूरी हो चुकी है, बिल्कुल खाली कर दो जी, बिल्कुल खाली, ये देख सकते हैं। लगातार वीडियो के साथ जुड़े रहें, मिल्किंग पूरी हो चुकी है। देख सकते हैं काफी शान बाहर लिया हो इसको काटे के पास। नहीं इसने नीचे रख दो, एक दूसरी बाल्टी ले आओ, खाली बाल्टी ले आओ दूसरी। ये देख सकते हैं लगातार वीडियो चलते हुए अब इसका वेट किया जाएगा ताकि किसी भाई को किसी प्रकार की कोई शंका न रहे। काटे का वेट किया जाएगा। अब देखते हैं कितना दूध बैठता है ये। पहले एक बार कटे को ऑन करो, एक मिनट जी, एक मिनट। इस बाल्टी को नीचे उतार लो, हाँ ऑन करो एक बार, बाल्टी रख दो आप इसके ऊपर रख दो आप, और जो ये लाल बटन दिखाई दे रहा है इसको दबा के एक बार जीरो करो। नहीं इसको रखी रहने दो, इसको रख दो, नहीं
जो ये लाल बटन दिखाई दे रहा है ना, इसको दबाओ एक बार, ये जीरो हो जाएगी। नहीं ऊपर ऊपर, हाँ इसको नहीं दबा, एक बार फिर दबाओ, दबे नहीं है। हाँ वैसे जीरो हो चुका है, ये देख सकते हैं आप, बाल्टी का वेट भी जीरो कर दिया है, ये देख सकते हैं। ये उठा के आप डाल दो, उसके अंदर डाल दो। ये दूसरे फोन में लाइव मिल्किंग चली हुई है, ताकि किसी प्रकार की कोई शंका किसी भाई को न रहे। डाल दो, उठा के डाल दो, ये देखो काटे का वेट जीरो है, डाल दो। देखो अब आपके सामने 6 किलो 820 ग्राम, जो आज 29 अप्रैल 2021 की सुबह का जो मिल्क रिकॉर्ड हुआ है, 6 किलो 820 ग्राम दूध रिकॉर्ड किया है। और शाम को भी इसी टाइम इसकी लाइव मिल्किंग चलाएंगे, लगातार वीडियो के साथ जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ये देख सकते हैं काटे का वेट 6 किलो 820 ग्राम, ये देख सकते हैं काफ़ी शांत स्वभाव का गोधन है ये। इसकी उभरी हुई नसें आप लेवटी के ऊपर से बिल्कुल साफ देख सकते हैं। एक बार इसको खोल के जिबार घुमा के दिखा दो गाय को, बहुत ही शांत स्वभाव की गाय है ये, हाइट लेंथ भी काफ़ी शानदार है। ये देखो ये इसके नीचे मेल काफ है भाई, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। ये देख सकते हैं अंडर की क्वालिटी काफी शानदार है, पीठ पुट्ठे की चौड़ाई भी आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, काफी हैवी गोवंश हम इसे कहेंगे, काफी हेल्थी और हैवी, बहुत ही भारी भरकम गोवंश है। ये शरीर की बनावट देख सकते हैं काफी शानदार है, और जो इसका शांत स्वभाव है वो काफी शानदार, ये देख सकते हैं आप उभरी हुई नसें बिल्कुल, जो एक दूध वाले पशु के करेक्टर को दर्शाती हैं। ये देखो मैं इसके लिए नया आदमी हूँ, लेकिन फिर भी किसी प्रकार का पैर उठाना या मुंह मोड़ के देखना कोई भी मतलब नहीं है। ये देखो अपने मालिक के हाथ चाटते हुए, बहुत ही शांत स्वभाव का गोधन आज हमें इस वीडियो के माध्यम से देखने के लिए मिला है। ज़्यादा से ज़्यादा भाई वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भविष्य में कोई भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच जाए। ये देख सकते काफ़ी शानदार, बहुत ही शानदार शांत स्वभाव की गोधन, ये देख सकते हैं काफ़ी शानदार, बहुत ही सुंदर। ये देखो पूँछ उठाए हुए है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और शाम को 6:15 बजे घर घर मुर्रा का जो हमारा फेसबुक ग्रुप है, उस पे इसकी लाइव मिल्किंग दोबारा चलाई जाएगी। लगातार हमारे ग्रुप के साथ है, पेज के साथ जुड़े और लाइव मिल्किंग का आनंद लें। और जो महामारी चली हुई है उसके अंदर जो अपना बचाव है, मास्क लगाना, सैनिटाइजर से हाथ साफ करना, इन नियमों का पालन करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय गो माता, जल्दी मिलते हैं शाम के समय। जय हिंद, जय भारत।